अगर कोई मसला बनेगा हम जिम्मेदार हैं, तो आप जिम्मेवार होंगे इसके। ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो मैंने जी ये सौदा फाइनल कर लिया, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कि असलम भाई की गैर मौजूदगी मैंने ये फैसला लिया है। आपने बताया था मतलब उसको नहीं, तो नहीं ना कि मैं जा रहा हूँ सौदा करने, में सौदा करूँ या ना करूँ। हाँ जी, नाश्ता तैयार हो गया जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आज ठंड नहीं आ गई? ये कम्बा ऐसे होता है? मेरे को नाश्ता बन गया। चले जी, माशाल्लाह, रखें जी, करते हैं नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें, बात रहें, फूलों की रास्ते मुस्कुराते रहें। तो हमारा सुबह का भी लोग स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बनाए रखें हम लोग। जो मेरे चैनल पर नहीं हो, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के मिनट दबा दें। तो आज जुम्मा मुबारक का दिन, आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो। तो इसी दुआ के साथ जी अपने ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो देखें जी, नाश्ता वगैरह तैयार हो गया। तो ये देखिए, आपको ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। बच्चे जो है ना, गाँव में नाश्ता करते वक्त कैसे तंग करते हैं और क्या क्या शरारतें करते हैं, ये आपको इस वीडियो में मुकम्मल दिखाएंगे। इनके तरीक़ेकार चेक करें नाश्ता करने के। आज रिहान की क्या रूटीन है नाश्ता करने की? रिहान अहमद की रूटीन है जी हमारे की अचार, मोहम्मद रिहान की रूटीन है जी, फेवरेट इसका फेवरेट अचार है जी, और साथ में पराठा, एक पूरा डब्बा भरा हुआ, चाहे आधा कप चाय का हो लेकिन बाल्टी में हो, ये रिहान की हॉबी है। तो इधर हमाद, मोहम्मद हमाद की रूटीन ये है जी, इसने सालन के साथ ही नाश्ता करना है, इसने सालन के साथ ही नाश्ता करना है, सालन के बगैर ये नाश्ता नहीं करता। तो इधर आ गई जी हमारी शहजादी बेटी मनाहिल। ये शहजादी ऐसी होती है इधर से, मैं दिखाऊंगा मुंह पर, ये मुंह नहीं ऊपर करती। तो बस जब भी ये नाश्ता करने बैठते हैं ना, तो इनका काम है इसको दबके छपके डांटना शांटना। ये मनाहिल को तो ऐसे डांटते हैं जैसे ना सवाब का काम होता है, ये मनाहिल को ऐसे डांटते हैं जैसे सवाब का काम है, रोटी नीचे पड़ी आप ऊपर बैठे हैं। ऐसे मनाल कोई बोले हैं, कोई हाल हवाल करें, कोई गल बात सुनाए। सपारा पढ़ने क्यों नहीं गई आज? मैंने ये कहते हैं, मैं टीचर के पास है। जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन तो बेटा जिक्र अज़कार ज्यादा करना चाहिए, बरकत ज्यादा होती है उसमें, सवाब ज्यादा होता है। आज तो जुम्मे का दिन था, बाल ठीक करो अपने। आज जुम्मा था, अपने बाल ठीक करो, हाथ मार बालों को ठीक कर। हाँ जी, अभी चाय गिर जानी थी। अच्छा, चाय नहीं है, आप सुनाए आपकी तबीयत पूरी है, तो ये कबाब सबको दे दिया, तो चाय अब गिरानी नहीं है किसी ने, फिर और नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे, जा रहे खुश रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे और अपने घरों में अपने बच्चों में शाद आबाद रहे। तो सुबह का टाइम हो गया है, सब नाश्ता कर रहे हैं। तो सब बहन भाइयों को जुमा की बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को, सब बहन भाई जुमा पढ़ा करें और अल्लाह ताला की इबादत किया करें, नमाज पांच वक्त पढ़ा करें, यही हम सब के साथ जाना है। हाँ जी, और कुछ नहीं जाना, और कुछ नहीं जाना, दुनिया की सारी चीज़ें इधर ही रह जानी है। हाँ जी, नाश्ता करने लगे हैं जी, बहन भाई नाश्ता करना। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सब्ज सब्ज नीम का दरख्त, ये लगा बाहर रहा पर हमारे घर भी आ गया, और माशाल्लाह सामने घर के मस्जिद, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह ताला ने मुझे पड़ोसी ऐसा अता किया कि किसी किसी को ये नसीब होगा, ऐसा पड़ोसी किसी किसी को नसीब होता है, ऐसा पड़ोसी अल्लाह ताला सबको ऐसा पड़ोसी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, जब हम करने लगे हैं नाश्ता, दो बार इधर कप डिगन लगा सी, बार-बार मैं ये कह रही हूं आपकी चाय गिर जानी है, और शायद मिलनी नहीं आज। हां जी, ये लें जी, ये गलत बात। तो मैं भी जी नाश्ते की टेबल पे बैठ चुका हूं, थोड़ा नजदीक करके दिखाएं जी। मेरी रूटीन है सुबह-सुबह उठना, उठ के पहले पानी पीना, पानी पी के फिर चलना फिरना, फिर नाश्ता करना, सालन हो अचार हो जैसे कैसे भी हो मैं नाश्ता कर लेता हूं, और चाय खासकर होनी चाहिए। तो फिर भी कर लेते हैं, चलते ज्यादा पानी पीते हैं।
मजेदार पराठा नाश्ता हो गया और चबूतरों पे चढ़ गए ऐसे ही ना। इंसान बन जाओ इंसान, चोट लग जाएगी। रात क्या हुआ? जब अजान हुई थी तो सो गया था। क्या मुझे नींद आ गई? नींद आ गई। ईशा की नमाज करा तो नींद आ गई। कैसे उठा था फिर? उठा कैसे था? तबूशी मार के। ये बहाने बहुत करता है। क्यों रेहान, तुम इतने बहाने क्यों करते हो? अच्छा बाहर आ जाओ, कपड़ा उतारो गाड़ी का। लेके जानी है गाड़ी, लेके जानी है यार। उधर घर में खड़ी होगी तो कोई नहीं आएगा, उधर चलो खड़ी होती कोई ना कोई पूछता है ना। कल भी एक आया था, नंबर वगैरह ले गया था, कहता था भाई ये किराए पे चलाते हैं। मैंने कहा हाँ जी, नंबर ले गया था। कपड़ा शपड़ा लगाएं, इसको साफ करें। ऐसे घर खड़ी रह के कपड़ा डाल के तो फिर फायदा तो नहीं है। खर्चा तो होता है, लेके जाने में पेट्रोल जलता है। कोई सवारी मिल जाए तो फिर तो ठीक है, अगर ना मिले तो फिर दुख होता है, पेट्रोल भी ज़ाया किया और सवारी भी नहीं मिली। इंशाल्लाह जरूर देगा अल्लाह ताला। चलो बेटा साफ करें इसको, कपड़ा मारे। चले बेटा ये सारी इकट्ठी कर लेते, इसको इकट्ठी करो पहले। तो इसके ऊपर चढ़ के आ रहे हैं जा रहे हैं, ये इकट्ठी करो। भाई को ऊपर पानी ना, कपड़े को ऐसे ज्यादा जोर ना दिया करें, ऊपर आराम से इकट्ठा किया करें बस इसको। चले उठाएं सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बहन भाई भी दुआ किया करें जी, अल्लाह ताला हमारी गाड़ी में बरकत अता फरमाए। डेली अल्लाह ताला एक दो स्पेशल दे दिया करें तो सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह सही चल जाएगा हमारा। एक दो स्पेशल मिल जाए ना तो फिर कुछ ना कुछ रोज़ी बच जाएगी। कहीं भी जाने के भी मिल जाए, बागो बार, रेमियार खान, खानपुर, जाकतपुर। उसके दादे की ना उधर जमीन थी, वो ना भाई करते थे उधर, वो ना बैठा उसने ना ऐसे भाई नहीं खेती बाड़ी करते थे। वो कहता है उसने ना कहीं मरी उधर से ना सोने की देग निकली, कहता वो बेचने चला गया सीधा। चार पाई डूट जाएगी, चार पाई क्यों छेड़ना। वो टेक लगा के बैठा था ना, गला घुट जाएगा। चलो हाँ जी बैठन बेगम साहबा, वो बेगम साहबा बिल दें मुझे, बिल गैस वाला बिल भी दें और वाईफाई का बिल भी देना है, आज दोनों बिल देना। बिल कहाँ? गाड़ी को साफ नहीं किया, टपूशियाँ लगा रहे बंदर की तरह। बेगम साहब बिल दे दें।
बिल दे दें बिल। हाँ जी आज बिल नहीं मिलेगा आपको। बिल ये है जी गैस का बिल, पैसे ठीक है, वाईफाई का बिल भी देना है इसमें से, और गैस का बिल भी भाई वालों ने भी दे दिया और गाप ने भी दे दिया, ठीक हो गया। हाँ जी ये बिल कंगी तुम्हारी मम्मा करेगी। हमाद इसको साफ कर दिया है, नहीं मैं जा रहा हूँ। ये देखें जी बाबा रक्षा भाई निकालने लगे हैं, स्टार्ट कर लिया है, गर्म कर रहे हैं। आने दे आने दे, वो बंदी हो गया। आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे बस। गेट खोल लूं। हाँ जी खर्ची ले ली आपने? ओ बेगम साहब मैं जा रहा हूँ, चलो फिर माशाल्लाह अल्लाह हाफिज अल्लाह निगेबान बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले आप उधर किधर खड़े हो गए हैं जाके, मट्टी देखें कितनी आपने ऊपर ला दी। मैंने बहुत बार आपको कहा पाँव को छड़े के ऊपर बैठा करें। चलें जी ऐसे। अच्छा बेगम अल्लाह हाफिज। पीछे क्या है? माशाल्लाह जी बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और दुकान पे आ गया हूँ। दुकान भी मैंने खोल ली है, काशिफ भाई ने भी दुकान खोली हुई है इधर। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है? ठीक है तबीयत से काम कार? शुक्र अल्लाह माशाल्लाह जी सुबह हो गई जी, अपनी अपनी रोजी पे आ गए सब। सुबह नहीं होगी, 8 बज रहे हैं। सुबह ही है ना? 8 बज रहे हैं। चले जी 8 बज गए, दोपहर हो गई। दोपहर हो गई है जी। अच्छा जी और तबीयत सुना ठीक? शुक्र अल्लाह माशाल्लाह। आज गाड़ी की बैक साइड की स्टपनी के ऊपर जो कवर था ना वो उतारा है, मैंने कहा इसके टायर को चेक वगैरह करें, इसमें हवा वगैरह चेक कर लें और ये इसको सफाई वगैरह भी कर लें टायर की, क्योंकि किसी वक्त भी कोई ना कोई मसला पंचर वगैरह बन सकता है और हवा तो इसमें पूरी हो ना बैक टायर के हिसाब से। तो 70 पाउंड मैंने हवा की हुई है, इसमें भी 70 करूँगा, सफाई कर लूँ पहले इसकी। मैं जी घर आ गया हूँ, जुमे की तैयारी करते हैं, जुमे का टाइम हो रहा है। ओ सामने खड़ी है हुरैन, मैंने मोटरसाइकिल निकाल ली है, गाड़ी खड़ी कर दी है, तो अब जा रहा हूँ मैं चौक पे, थोड़ा सा सामान लेके आना है, तो उसके बाद आके फिर मैं तैयारी करूँगा, कलर वगैरह लगाना दाढ़ी को। तो अस्सलाम वालेकुम शहद भाई, क्या हाल है? ठीक है शुक्र भाई। मैंने डेंटिंग बेंडिंग करनी है, कोई कलर शलर दें सर आप इंशाल्लाह? ये लगाएं। कौन सा कलर? कलर है सर बहुत अच्छा कलर, ये वाला गाड़ी डेंटिंग मेंडिंग हो जाएगी। डेंटिंग डेंटिंग नहीं करानी, पेंटिंग करानी है, डेंटिंग नहीं करानी, दोनों हो जाएंगे, दोनों हो जाएगी। मैं जी शहर भाई के पास आया हूँ, बहुत ही प्यारा भाई है हमारा, माशाल्लाह शॉपिंग सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने, है तो छोटा सा लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है इनके पास ऐसे। हाँ जी यानी कि हमारे शहर में बड़ा है ये, हिसाब से अच्छा है, हमारे इलाके के हिसाब से अच्छा है ऐसे ना। और तबीयत ठीक है? मार साहब का सुनाया अबू का, शुक्र अल्लाह ठीक है अल्लाह। आपने वो नहीं आप जमजम और खजूरें वगैरह नहीं हमें खिलवाई, मैं आज स्पेशल आपको ब्लॉग में कह रहा हूँ सर इंशाल्लाह। ऐसे नहीं खिलवाई ना इसने, अबू उमरे पे गए थे इंशाल्लाह आपको खिलाएंगे, वो तो ख़त्म हो गई अब, फिर दोबारा जब जाएंगे इंशाल्लाह फिर आप। चलो अल्लाह जल्दी लेके जाए इंशाल्लाह। मैं जी भाई दिलदार के पास पहुँच चुका हूँ, यहाँ से कुछ लेंगे, कोई चिकन वगैरह थोड़ा बहुत।
चौक पे आ गया हूँ मैं। चलो जी 200 रुपये काट, ठीक हो गया जी। ऐसा सोनी जी बॉडी करके बना के रखने। और सुनाए ठीक है? अल्लाह का करम है। बच्चे ठीक हैं? कारोबार? ये जी हमारे दिलदार भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, बहुत साफ सुथरा गोश्त बना के देते हैं। माशाल्लाह देखें कैसी साफ सुथरी बॉडी बनाई है जी। कारीगर को लेके आया हूँ इधर, क्या हाल है भाई? ठीक है। ये फर्नीचर दिखा रहे हैं इसको, तो अभी असलम भाई का मुझे फ़ोन आया था, कहता था यार आपने क्या किया है, तो मैंने कहा भाई मैं अभी कारीगर को लेके जाता हूँ, तो देखें भाई आप इसको चेक करें अच्छे तरीके से। तो आबिद भाई आपकी मेहरबानी भाई, आपने हमारा ये सौदा बनवा दिया है, क्योंकि असलम भाई इधर मौजूद नहीं है, उन्होंने ये जो है ना जिम्मे मेरे लगाया था काम पर। अकरम भाई आपने ना तो फाइनल करना है, तो माशाल्लाह जी 1,20,000 में ये फाइनल हो गया। ऐसे ही है ठीक है भाई? 1,20,000 में आपने ये पॉलिश वगैरह मुकम्मल क्लियर करके देना है इसको, और आप इसका स्टाम्प भी करके देंगे। हमने आपसे लिया है, आपने कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं वो हमें नहीं, ठीक है। अगर कोई मसला बनेगा हम जिम्मेदार हैं, तो आप जिम्मेवार हो गए इसके। ऐसे ही है ठीक हो गया। तो मैंने जी ये सौदा फाइनल कर लिया है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कि असलम भाई की गैर मौजूदगी मैंने ये फैसला लिया है, तो रेट वगैरह तय कर लिया है, क्योंकि उसके ज़्यादातर काम जो है मैं ही कर रहा हूँ। ऐसे ही तो बहुत। तो मैं व्यूअर्स घर पहुंच गया हूं, जैसे कि आपको पता है चिकन लिया था, और फिर मैं चला गया उधर फर्नीचर वाले के पास, वहां पे रेट वगैरह तय करना था, और अब मैं घर पहुंच गया हूं। तो अभी जाना मैंने पहले असलम भाई के पास, असलम भाई के पास जाऊंगा, वहां से फिर मैं आके तैयारी करूंगा जिले की। तो मैं अब जा रहा हूँ असलम के पास। ये है जी हमारा बाज़ार, जिस बाज़ार में हमारा घर है, सामने वो है अपना अहमद भाई का घर, उसके साथ भी अहमद भाई का है, फिर अकरम है, फिर असलम है, फिर वर्ल्ड ऑफ मुखलिस है, और ये बैक साइड पे मस्जिद के सामने मैं हूँ। बाज़ार हमें एक ही लगता है यही जी। असलम भाई के मकान पे पहुँच चुका हूँ घर, दरवाज़ा खटखटाया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत? ठीक है, कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? मसला मसायल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी, खून भी निकला, ऑपरेशन हुआ है, फिर वो बेड पे आदमी ठीक भी हो ना, 3-4 दिन लगातार बेड पे लेट जाए ना, फिर उसकी टांगें जो उसका साथ नहीं देती, कमज़ोरी हो जाती है। मैं 8-9 महीने पड़ा रहा हूँ ना बेड पे, मुझे पता है कैसे होता है, तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दूध वगैरह अभी तो नहीं आपने पीना, क्योंकि दूध आपको नुकसान देगा, अभी पत्ती डाल के उसमें पिए, खालिश दूध नहीं पिए, क्योंकि ज़ख़म है ना, तो वो फिर रेशा करेगा, जब तक ये आपका ज़ख़म ठीक नहीं होता आपने दूध वगैरह नहीं पीना, यखनी कीमा शीमा आप खाएं, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। तो मैंने आपका वो सौदा फाइनल कर दिया है ठीक है, 1,20,000 में डन हो गया, ज़्यादा तो नहीं है, वो पॉलिश वगैरह हर चीज़ क्लियर करके देंगे। सही है, हाँ फिर नुकसान होता अगर पॉलिश करके दे रहे हैं 1,20,000 में। चलो ठीक है, बाकी ये मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे पैसे मैं भाई को दे। हाँ तो भाई ले आएगा ना पेमेंट, कार्ड आप इस्तेमाल कर लो सोमवार वाले दिन, हाँ वो कहता कल उठा लूँगा ना, आज तो जुमा है, कल वो उठा के ले जाएगा अपनी दुकान पे, पॉलिश तो इसको एक दिन में ही हो जाएगा। उसकी फिटिंग भी होती नहीं, उसकी फिटिंग किस चीज़ की? बेड की वो फिटिंग इधर ही कर लेंगे, खुद कर लेंगे हम, हाँ फिटिंग वगैरह जो इधर ही हो जाएगी, हाँ वो खुद कर लेंगे इधर, वहाँ से खुला हुआ ही आएगा ना, इधर फिटिंग उसकी खुद करेंगे हम। रक्षे पे अगर आया ठीक तो रक्षे पे आ जाएगा, दूसरा बेड वगैरह और ये अलमारी वगैरह ये तो रक्षे पे आ जाएगी, सोफा सारा कुछ ही आ जाएगा रक्षे पे, टोटल सामान है, 2-3 चक्कर लग जाएंगे, हाँ रक्षे का मंगवा लेंगे। तो मैं जी घर पहुँच चुका हूँ। आप अकेले गए थे? कोई और नहीं था आपके साथ? उसके भाई भी नहीं था? तो फिर आप उससे पहले पूछ रहे थे सौदा करके, कल को नाले तो फिर हम क्या करेंगे? ये बात तो आपकी ठीक है,
आप ऐसे जाते हैं सौदा करके आ जाते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना किसी से मशवरा तो कर ले। टेंशन वाली बात है जी, बिल्कुल मैंने गलती की है जी, क्योंकि मैं गया हूँ तो मैंने सौदा वगैरह किया है, वो साथ कोई भी नहीं था, ना असलम भाई था, ना ही अहमद अपना था, मुखलिस था, ना अकरम था, अकेला ही था, सौदा करके आ गया वो, आप आगे अल्लाह की मर्जी, अब जो होगा फिर देखी जाएगी मुझे। वो कहता था ठीक है, तो सौदा करके आया था कि मैं असलम भाई का फर्नीचर का, तो माशाल्लाह जी सौदा हमारा ठीक ठाक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 1,20,000 में सौदा हुआ है। तो असलम भाई ने मुझे इजाज़त दे दी, भाई आप जो रेट तय करेंगे हम उस प्लेट पे ले लेंगे। वो जहाँ पर फर्नीचर पड़ा नहीं जिस दुकान के, वो असलम का रिश्तेदार है, लड़का रिश्तेदार है या उनका शरीर है, उनको काम मिस करा है दुकान पर पड़ा है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह, परेशानी वाली बात नहीं है, परेशानी है अभी, ये अगर कल का वो ना कर मैंने नहीं लेना, मेरा इरादा बदल गया, चेंज हो गया, तो फिर मसला हो गया, मैं नया लेने अभी तक 1 रुपया नहीं उनको दे के आया, उनको पैसे नहीं दिए, रुपया वगैरह नहीं दिया। कुछ करेंगे फिर, कुछ ना कुछ किसी और को दिलाएंगे, अगर ना बना तो लेना तो है ना, फिर जबान से तो नहीं, हम से जो जबान की है फिर उसके पूरे उतरने की कोशिश करेंगे, कहीं से किसी को जरूरत हुई किसी से पूछ लेंगे, किसको चाहिए होगा तो इंशाल्लाह तो ठीक है, बस अल्लाह ताला ही बेहतर करे, अल्लाह खैर करेगा।